तो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं नए वीडियो को लेकर और हमारा और आपका भी फेवरेट गेम प्ले। तो गेम प्ले ऐसा है कि आपको बता नहीं सकते कैसा है, तो आप लोग देखो और स्किप मत करियो। थोड़ा अच्छा सा गेम प्ले है और किल भी अच्छे हैं, तो हम के आपके लिए एक गेम प्ले डाल देते हैं। और गेम प्ले में अब हम लोग उतरे हैं स्पॉट, और स्पॉट में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई बंदे नहीं उतरे हैं, तो मतलब बंदे नहीं उतरे यार, मज़ा नहीं आएगा। तो चलते हैं फिर, जल्दी जल्दी लूटते हैं और फिर बंदों के पास जाते हैं, क्योंकि जब बंदे नहीं होंगे तो मज़ा कैसे आएगा। चलते हैं फिर जल्दी से मारने, क्योंकि जब तक मार नहीं होगी खतरों के खिलाड़ी फिर कैसे बनेंगे। खतरों के खिलाड़ी बनना है तो मारना पड़ेगा। तो अब हमारे जो रिफ्लेक्स भाई होते हैं उनका बीच में नेट ख़राब हो जाता है और हमारा यहाँ बैटरी खराब मतलब लो हो जाती है। तो हम उतरते हैं और यहाँ पे एक बंदा लूट रहा होता है, पता नहीं मतलब क्या कर रहा होता है ये हमको लगता है बिरयानी के लिए रुका होता है कि बिरयानी मिलेगी यहाँ बैठेंगे तो हम तैयार है, बिरयानी उनको हम खिला देते हैं। फिर इसी का टीममेट जो होता है उस तरफ से आ रहा होता है, तो हमारी किस्मत अच्छी होती कि हम जल्दी से उधर से हट जाते हैं और फिर इनको सुला देते हैं। तो हमको पता नहीं बंदे डू और से स्क्वेड क्यों खेलते हैं, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है डू और से स्क्वेड करना। तो हम जब तक लूट रहे होते हैं तभी थर्डिल वाले स्क्वेड आ जाती है। तो इस बंदे को देखो भाई, क्या मतलब क्या मार रहा था यार, मतलब क्या मारा है, क्या ही मारा है उसने, क्या ही डैमेज दिया। तो भाई हमारी हो जाती फटके, चौराहा हो जाती हमारी और हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, और ऐसे तो जाने नहीं देंगे। और हमारा टीममेट गाड़ी लेकर आ ही रहा होता है कि उसका फिर से नेट फंस जाता है, तो हमें और हड़बड़ी हो जाती। तो भाई यहाँ पे अब उनकी आ जाते हैं तीनों बंदे, अब हम बचते हैं अकेले। तो फिलहाल अब हम अपना निकालते हैं एकम, और ये भाई साहब एक कारल से हमको मारने आए, मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो इनको मार के जल्दी से किल सिक्योर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं, तो हमारी हो जाती बहुत बुरी हालत, और हमारी क्या बताएं मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। तो उसी टाइम पे हमारा जो रिफ्लेक्स होते हैं वो आ जाते हैं सही टाइम पे, तो हम बच जाते हैं उससे। और यहाँ बंदा क्रॉसबो से मारने की कोशिश करता है, मतलब मजाक चल रहा है यार, हैं क्या कर रहे हो ये तुम लोग, हैं क्रॉसबो से मारोगे, हैं नहीं लो लो यार तुम पूरा मैच ले जाओ यार। बस के हम लोग निकलते हैं और यहाँ पे फ्लेयर आई हुई होती है और यहाँ पर सामने बंदे लड़ रहे होते हैं। तो अब हमारी हालत ख़राब तो नहीं है, पर देखते हैं फिर यहाँ पे बंदे लड़ रहे होते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ से एक दो नॉक कर दें तो काम हो जाएगा, पर हाँ नॉक होने का नाम नहीं लेते बंदे। तो हम जैसे ही अंदर जाते हैं तो हमारे रिफ्लेक्स भाई को कोई दे देता है अच्छा वाला, मतलब तगड़ा सा, और हम कहते हैं चलो इनको पहले रिवाइव कर देते हैं फिर बंदों को मारते हैं। तो इनको रिवाइव करने के बाद अब उन लोग की स्क्वाड आ जाती है हमारे घर के सामने, तो हम ऊपर जाते हैं। फिलहाल पहले देखते हैं स्क्वाड मतलब बंदे हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ पे अपना अड्डा रखे हैं, कहाँ पे सोना चाहते हैं वो लोग। तो यहाँ से हम एक बंदे को थोड़ा डैमेज देते हैं तो वो नॉक हो जाता है, और दूसरा जो बंदा होता है वो मेरा किल लेके चला जाता है। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो मैं क्या करता हूँ पहुँच जाता हूँ उनके पास बगल में जाके मारने, और यहाँ पे रिवाइव दे रहे होते हैं भाई साहब। तो हम सोचते हैं इनको पहले दे देते थोड़ा सा, पर इतनी स्पीड से भागता है बंदा क्या बताएं मतलब। और फिर इनको यहाँ पे ये देखो हीलिंग लगा रहे हैं, मतलब क्या भाई क्या हीलिंग, यहाँ मतलब मजाक चल रहा था, और खुले में हीलिंग लगा रहे थे, खुले में शौच नहीं, सब कुछ करो खुले में। मोदी जी ने कहा है स्वच्छ भारत तो स्वच्छ भारत। तो जल्दी से ये भाई साहब ओग लेके नाच रहे होते हैं, मतलब मजाक चल रहा है। तो ओग लेकर बंदा नहीं मार पाता, हम उनके एकम जड़ देते हैं तो काम हो जाता है इनका। हम लोग आ जाते हैं मार वार के थोड़ा, और हम यहाँ पे एक बंदा होता है भाई छुपा हुआ होता है, क्या बताएं इनके बारे में। और हम बॉम्ब डालते हैं कि भाई एक बॉम्ब पड़ जाए थोड़ा सा किल मिल जाए, नहीं
हमारे बॉम्ब और हमारी हमारी किस्मत नहीं है कि बॉम्ब पड़ जाएगा, पड़ेगा और हमको मिलेगा फिर। तो ढूंढते हैं फिर अंदर चल के, और तभी मतलब बंदा इतना चालाक होता है, हर तरफ घुमाता रहता है और ग्रेनेड भी मारता है, पर ग्रेनेड से तो कुछ होता नहीं उनका भी और हमारा भी, मतलब किसी का नहीं होता। तो यहाँ कूदता है बंदा, तो हम कहते हैं थोड़ा डैमेज दे दे, मर जाए, नॉक हो जाए, नॉक हो जाए, नहीं नहीं नॉक होने का नाम नहीं लेता बंदा। और हम सोचते हैं बाहर बंदा गया है, पर बाहर भी नहीं गया होता है, और ऊपर हम जाकर देखते हैं तो ऊपर भी स्मोक हुआ होता है, ऊपर भी नहीं होता बंदा। हम फायर भी करते हैं थोड़ा, पर कोई फ़ायदा नहीं। फिर नीचे आते हैं तो जो हमारा टीममेट होता है बताता है कि बंदा उस साइड में है, उस तरफ रोड के उस पार, उस घर में। तो हम भी पहले चेक कर लेते हैं बंदा गया तो गया कहाँ। चल उस घर में जो बंदा है उसको चलो मार लेते हैं पहले, और फिर हम इस बंदे को देखते हैं। हम मेरे को लगता कि मतलब वही बंदा इस घर में आया हुआ होता है, पर ये दूसरा बंदा होता है जो कि यहाँ पता नहीं क्या कर रहा होता है, क्या ही कर रहा होता है ये खड़े होके, ये मैसेज कर रहा होता है हमको लगता है किसी को। तो आकर मैं इनको दे देता हूँ, तो इनका काम बन जाता है, मतलब तो पेटी बन जाती है। और फिर हम जैसे ही निकलते हैं यहाँ से कि चलते हैं थोड़ा कहीं और बंदे ढूंढने, पर उसी टाइम पे एक स्क्वाड आ रही होती है BRDM लेकर। तो भाई हम कहते हैं चलो आने दो इनको, इनको ढेर लगाते हैं फिर। तो हम हो जाते हैं थोड़ा सा सिक्योर और मतलब सेफ्टी कवर, उसके बाद मारेंगे। तो एक बंदा डैमेज कर रहा होता है हमारे भाई सब्जेक्ट को, तो इनको नॉक करते हैं एक बंदे को, दूसरा बंदा की डैमेज उसका हुआ रहता है तो उनको भी नॉक कर देते हैं, और जो हमको मारते हुए अंदर जाता है उसको रिफ्लेक्ट नॉक कर देता है। तो फिर हम जल्दी से ऊपर जाते हैं एक बंदे को मारने, और हमारा वेस्ट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो हम सोचते हैं नॉक हो जाए, नॉक हो जाए, और उसी टाइम पे पता नहीं क्या मतलब बंदे की मतलब क्या ही मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे को कैसे मतलब क्या हुआ। तो रिफ्लेक्स आता है, एक गोली का बंदा बचता है वो, और उसको नॉक ख़त्म कर देता है, और मेरा वेस्ट गायब हो जाता है एकदम ख़त्म। तो फिर अब बचता है एक बंदा, और चलो फिर उसको ढूंढते हैं, हील वील कर लेते हैं थोड़ा, और उसको ढूंढते हैं, आपको दिखाते हैं फिर क्या होता है आगे। के बाद बंदा हम फिलहाल मिल ही जाता है आखिर लास्ट में, इनविजिबल होने के बाद घर के पास बंदा होता है, और इसको हम घुस जाते हैं मारने के लिए, और हमको ये पता ही नहीं होता है कि हमारे पास वेस्ट नहीं है, पर हम तब भी बिना वेस्ट के घुस जाते हैं AKM का डैमेज सहने के लिए। पर जब ही डैमेज हम देते हैं AKM का और वो हमको देता है, तो मतलब यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि वेस्ट का क्या ज़रूरत होता है, क्या मतलब इम्पोर्टेंट है वेस्ट का। अगर वेस्ट नहीं होगा तो आपका क्या हाल होगा। तो हमारा 15 किलो जाता है चिकन डिनर के साथ। See it, it can stop first.